नमस्कार बच्चों, कल की वीडियो में हमने हिंदी की पाठ्यपुस्तक नई उड़ान के अध्याय 7 ऋषि की कृपा पढ़ा था ना, और ऋ की मात्रा के बारे में भी पढ़ा था कि यह मात्रा व्यंजन में कहाँ लगती है। इस मात्रा का प्रयोग अधिकतर किन शब्दों में किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम पाठ से संबंधित कविता को पढ़ेंगे, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारी कविता है गुनगुनाओ। सब जीवों पर करो कृपा, कभी न करना घृणा वृथा। अपना हृदय उदार बनाओ, कभी हृदय में बैर न लाओ। नए नए तुम वृक्ष लगाओ, पृथ्वी पर हरियाली लाओ। तो बच्चों, इस कविता को एक बार फिर से दोहराते हैं। सब जीवों पर करो कृपा, कभी न करना घृणा वृथा। अपना हृदय उदार बनाओ, कभी हृदय में बैर न लाओ। नए नए तुम वृक्ष लगाओ, पृथ्वी पर हरियाली लाओ। आइए अब हम पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मृग खालिस्थान खाता है। यहाँ पे शब्द दिया गया है वृक्ष, तृण, हृदय, घृणा। तो मृग क्या खाता है? तृण खाता है। तृण मीन्स होता है तिनका या फिर घास। अगला वाक्य है, खालिस्थान हमें छाया देते हैं। कौन हमें छाया देते हैं? वृक्ष। यहाँ पे हम लिखेंगे वृक्ष। अगला है, ऋषि के खालिस्थान में दया है। यहाँ पे हम लिखेंगे हृदय। अगला है, किसी से खालिस्थान मत करो। इसमें क्या फिल करेंगे? घृणा। हमारा अगला प्रश्न है, बोल बोल कर पढ़ो और लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों को बार बार देख करके लिखना है। आइए देखते हैं वे शब्द क्या हैं। पहला शब्द है मृग, दूसरा है तृण, तीसरा है दृग, चौथा है मृत और पांचवा है घृत। आपको इन शब्दों को देख करके इनके नीचे आपको दोहरा करके बार बार यही लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वृक्ष विषय पर 5 वाक्य लिखिए। आपको करना क्या है? यहाँ पर वृक्ष के बारे में 5 वाक्य लिखना है। यहाँ पर वृक्ष के बारे में 5 वाक्य दिए गए हैं, आपको उनको देख करके लिख लेना है। पहला वाक्य है, वृक्ष प्रकृति की सुंदर देन है। दूसरा है, वृक्ष हमें छाया देते हैं। तीसरा है, वृक्ष हमें फल फूल और लकड़ियाँ भी देते हैं। चौथा है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। पांचवा है, वृक्षों से औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। गृह कार्य, आपका गृह कार्य है सही शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पे कुछ सही शब्द हैं और कुछ गलत शब्द हैं, आपको सही शब्दों पर गोला लगाना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम पाठ से संबंधित शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।